जय माँ ज्वाला, जय माँ देवी कोलवाली। तो भक्तजनों आओ, इस साल माँ देवी कोल की यात्रा, जो कि हर साल पैदल यात्रा पड़ाव के साथ होती थी, इस साल कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से माता रानी की ये यात्रा जो है सिर्फ 15 भक्तजन माँ कैथन वाली की छड़ी के साथ में आज देवी गोल जा रहे हैं। तो आइए आपको माता रानी का, माँ ज्वाला जी की इस यात्रा का लाइव दर्शन इस वीडियो के माध्यम से कराते हैं। एक बार आप सब कमेंट में माता ज्वाला जी के लिए जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं इस यात्रा में माँ देवी गोल, माँ ज्वाला वाली के दर्शन के लिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, अभी माता रानी की छड़ी यात्रा जो है वो शिव मंदिर ठाकुर द्वारा ज्वालापुर में पहुंच चुकी है। पहुंचवा की खूबसूरत वादियों के बीच में भोलेनाथ का ये मंदिर सजा हुआ है। ओ भोले बाबा, मंदिर के चारों तरफ से हरी भरी वादियां हैं। हर साल जो पैदल यात्रा की छड़ी का पहला पड़ाव जो होता है वो इसी ठाकुर द्वारा में होता है। पूरी रात यहां पे जागरण किया जाता है और सुबह यहां से छड़ी देवी गोल के लिए प्रस्थान करती है। दर्शन दे दे एक बार, ओ भोले बाबा, ओम नमः शिवाय। दर्शन दे दे एक बार। भक्तजनों, कहते हैं द्वापर युग में जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वो इस बंजवा के इलाके में काफी टाइम रहे थे। तो देखो कैसे कैसे कलाकारियां उस टाइम की यहाँ पे हैं, कितने बड़े बड़े पत्थरों को सजाया हुआ है उन्होंने। जय माँ ज्वाला, जय माँ देवी गोल वाली। भक्तजनों, अभी माता रानी की छड़ी जो है वो लास्ट टंटा गांव में पहुंच चुकी है। यहाँ से आगे माता रानी की पैदल छड़ी जाएगी ठीक टाटा से 1.5 किलोमीटर। माँ ज्वाला जी का मंदिर है। जय माँ ज्वाला, जय माँ देवी गोल वाली। भक्तजनों, अभी माता रानी की छड़ी यात्रा जो है वो देवी गोल मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में माँ ज्वाला जी का मंदिर सजा हुआ है। माँ ज्वाला जी विराजमान हैं। सामने जो शिव बर्फीले जो पहाड़ दिख रहे हैं, कहते हैं भोलेनाथ ने काफी टाइम तक यहाँ पे तपस्या की हुई है। हरे भरे मैदानों के बीच में, घने घने इस जंगल के बीच में माँ ज्वाला जी का मंदिर सजा हुआ है। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, अभी माता रानी की छड़ी यात्रा जो है वो ठीक देवी गोल के हरे भरे मैदानों के बीच में शिव मंदिर शिव कुंड के पास पहुंच चुकी है। देवी गोल माता बसी ज्वाला घने बने माँ। इस शिव कुंड के अभी अभी दर्शन किए जा रहे हैं। कहते हैं
बने माँ, इस शिव कुंड में बहुत सारे चमत्कार वाले दर्शन होते हैं। रोड़े बने माँ देवी गोले माता, यदि अगर शिवकुंड के दर्शन न किए जाए तो मां देवी गोल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। जय माँ देवी गोल वाली, जय माँ ज्वाला, जय माँ केतन वाली। भक्तजनों, अभी माता रानी की छड़ी बिल्कुल माँ ज्वाला जी के मंदिर के करीब पहुँच चुकी है। धीरे धीरे माता रानी के भवन की तरफ यात्रा जा रही है। सामने किस घने घने जंगल के बीच में नजारा जब हम देखने जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, भक्तजनों। अभी माँ देवी गोल माँ ज्वाला जी के पुजारी और भी संस्था के प्रधान और बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो माँ केतन वाली की छड़ी के स्वागत के लिए आए हुए हैं। और माता रानी की छड़ी अभी ठीक माँ देवी गोल के चरणों में पहुँच चुकी है। जय माता दी। दर्श करें, दर्श करें, माँ के दर्श से होगा बेड़ा पार। आओ सारे दर्श करें, मैया ज्वाला जी दा सोना दरबार। जय माता दी। भजनों, इस खूबसूरत से घने जंगल के बीच में माँ देवी गोल के दर्शन जस्ट अभी अभी आपको होने वाले हैं। तो आओ कीजिए माँ देवी गोल वाली के दर्शन। जय माँ ज्वाला, जय माँ देवी गोल वाली। भक्तजनों, कमेंट में जरूर जय माँ ज्वाला, जय माँ देवी गोल वाली जरूर लिखेगा। जय माता दी, जय माँ ज्वाला। भक्तजनों, माँ देवी गोल वाली का, माँ ज्वाला जी का ये मंदिर अभी बनाया जा रहा है। अगर आपकी इच्छा कुछ न कुछ दान करने की है तो ज़रूर आप दान कीजिएगा। यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर ज़रूर कंटेक्ट करके माता रानी के लिए दान दे सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। जय माँ देवी गोल वाली, जय माँ ज्वाला, जय माँ केतन वाली। भक्तजनों, अब माता रानी की छड़ी यात्रा जो है माँ ज्वाला जी से विदा लेके केतन की तरफ रवाना हो चुकी है।
भक्तजनों, हर साल ये यात्रा 13 जून को कैथन से फर्स्ट पड़ाव शिव मंदिर ज्वालापुर में रुकती है। पूरी रात वहाँ पे जागरण होता है, कीर्तन होता है, और दूसरे दिन यानी 14 जून को ज्वालापुर से देवी गोल मंदिर की तरफ प्रस्थान करती है। 14 की रात को माँ ज्वाला जी के दरबार में पूरी रात जागरण होता है। दूर दूर से कलाकार आके माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। इस साल COVID-19 की वजह से ये यात्रा सिर्फ एक दिन में की गई, मतलब कि 14 को देवी गोल और 15 को वापस। भक्तजनों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में जय माँ ज्वाला जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय माँ ज्वाला, जय माँ देवी गोल वाली, जय माता दी, जय माँ कीर्तन वाली।